हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे हाथों में कि कितना अच्छा ये लग रहा है, एकदम फूल फूल सा आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। शायद वीडियो में आपको अच्छा से न दिखे, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलिए बना के दिखाती हूँ कि इसे बनाना कैसे है और इसे बनाने में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले ली हूँ छन्नी और एक बर्तन, और इसमें डाल देती हूँ मैदा। तो यहाँ पर 2 कप या 3 कप, जितना भी आप बनाना चाहते हैं उतना मैदा ले लीजिएगा। तो मैदे को डाल देती हूँ छन्नी में और अच्छे से इसे छान लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैदा को पहले छान लिया जाए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए हर रोज़ एक नई नई सी रेसिपी लेके आती रहूँगी जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, त्यौहार का मौसम शुरू हो चुका है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैदे में डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार नमक। अब इसके साथ ही डालना 1 छोटा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा हाथ पे इस तरीके से रगड़ के डालिएगा तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा से आता है। और अब अजवाइन डालने के बाद इसमें डाल देना है कलौंजी मंगरेल, तो ये भी 1/2 छोटा चम्मच ही है, क्योंकि हमारा मैदा जिस अनुसार से है उसी अनुसार से मैं इसमें मसाला भी ऐड कर रही हूँ। आप ज़्यादा लेंगे तो सारे मसाले को ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दी हूँ जिससे कि नमक चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैदा हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें डाल देना है रिफाइंड तेल। तो यहाँ पर रिफाइंड तेल को हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें ली हूँ। तो देखिए यहाँ पर तेल हमारा है, अब इतना इसमें चला जाएगा। तो पहले थोड़ा सा बचा लेती हूँ और डाल के इसे अच्छे से आटे में मिक्स करना है मैदे में, जिससे कि चारों तरफ अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके 2 बार डाल के और पूरे आटे में मैदे में अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, और इतना इसे अच्छा से खास्ता बनाना है जो कि आप इसे बांधे तो अच्छे से ये बंधे, जैसे कि हम लोग नमकीन वगैरह बनाते हैं उसी टाइप से ये आटा तैयार होना चाहिए। तो इसे बहुत अच्छे से रगड़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका जो नमकीन या कोई भी चीज़ आप बनाते हैं जिसमें कि मोयन डाला जाता है वो काफ़ी खास्ता बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, और बचा हुआ तेल को भी इसमें डाल के अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा एक डो लगा लेना है। बहुत ज़्यादा इसे गीला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, पानी थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कम से कम इतना देर देखिएगा जो कि आप समझ सकें कि इसे कैसे बनाई हूँ। और जब आप बनाएंगे तो त्यौहार में 4 चांद लग जाएगा और सभी पूछेंगे खाने वाले कि आखिर इसे आपने बनाया कैसे। तो देखिए आटा को कुछ इस तरीके से लगा ली हूँ। अब इसे ढक के कम से कम 5 मिनट तक छोड़ देना है जिससे कि मैदा अच्छा से रेस्ट करेगा। मैदा को जब भी आप कुछ बना रहे हैं मैदा का, तो उसे थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर कराइएगा जिससे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो 5 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, अब देखिए कितना अच्छा से ये फूल के सेट हो चुका है। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के फिर से इसे चिकना कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं अच्छे से इसे चिकना कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं और पापड़ बनाने के शौकीन हैं, बाज़ार वाले पापड़ यदि आप घर में बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। और आपको जो भी अच्छा लगे पापड़, उस पापड़ को आप बना के तैयार कर लें। कहीं पर भी आपको कुछ दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। तो जितना बड़ा हम लोग रोटी बनाते हैं घर में, उससे थोड़ा हल्का सा बड़ा लोई ले ली हूँ, और लोई लेके बस रोटी के जैसा ही इसे बेल लेना है। थोड़ा सा पतला ही बेलना, बहुत ज़्यादा मोटा इसे नहीं रखिएगा। तो बेलने में मैदा लगा के आप इसे अच्छे से आराम से बेल लें, बहुत ज़्यादा मैदा भी नहीं लगाइएगा, इतना लगाइएगा कि आप इसे आराम से बेल सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, किनारे किनारे से इसे बेलते हुए देखिए लग रहा है जैसे कि पापड़ हो। अब यह है कुकी कटर, तो एक को मैं अच्छे से आपको बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं सारा इसी तरीके से बना लूँगी। तो ये कुकी कटर हार्ट शेप का है, इस टाइप का है दिल जैसा, तो आपके पास तो होगा ही फ्रेंड्स। तो अब क्या करना है, इसमें से इसे टुकड़ा टुकड़ा सा निकाल लेना है। अब एक रोटी में से जितना ये बन जाए तो उतना पहले निकाल लेती हूँ। बिल्कुल नया तरीका है, इससे पहले आपने ना देखा होगा ना ही कभी बनाया होगा, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरीके से सारे में से कट करके निकाल लेती हूँ, और ढेर सारा बन जाता है फ्रेंड्स क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा। तो देखिए सारे रोटी को बेलने के बाद बेल बेल के इसी तरीके से कट करके निकाल ली हूँ। देखिए कितना छोटा प्यारा प्यारा सा लग रहा है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं,
लेकिन ऐसे तो हर कोई बना लेता है और आपने भी बनाया होगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल नया करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हर रोज़ आपके लिए एक नई नई सी रेसिपी लेके आती रहूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए अब बनाने का तरीका, एक दो और तीन, तीन तीन को आप एक जगह अच्छे से एक जैसा करके रख दीजिए इस तरीके से। तो एक ही शेप में कटा हुआ है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरीके से तीन को एक जगह करना है, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। आपको दो चार बना के मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद सारे को बना के तैयार कर लूँगी, तो दो चार आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से तीन तीन करके एक जगह सारे को रख लेना है। तो इतना को मैं रख ली हूँ एक जगह। अब बना के आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ कि इसका डिज़ाइन कैसे बनाना है। बराबर से रखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ले लेना है आपको या चाकू या चम्मच या ऐसा कोई लकड़ी या टूथपिक, कुछ भी आप ले सकते हैं, और बीच में इसे दबाना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से दबाना है इस तरीके से, और इतना दबाइएगा कि ये कटे ना, इतना दबाइएगा कि सारा जो ये नमकीन है वो एक दूसरे में सट जाए। देखिए जैसे तीन डाली हो ना, तो तीन एक दूसरे में अच्छे से चिपक जाए, इतना दबाइएगा और ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का बन गया ना फ्लावर, देखिए बन गया। अब ये चिपका हुआ है तो है, ऐसा कुछ नहीं। आप सोच रहे होंगे कि चिपका हुआ है तो फिर ये अलग अलग कैसे होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए मैं एक दो आपको और बना के दिखा देती हूँ। तो इसी तरीके से आपको दबा दबा के सारे को तैयार कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सारे को पहले तैयार कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, है ना बहुत अच्छी रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सारे को तैयार कर ली हूँ, और सारे दिल को एक जगह जब जोड़ी हूँ तो इतना सारा हमारा नमकीन बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पर तेल को गर्म करने के लिए रखती हूँ, और बहुत ज़्यादा इसे ठंडा नहीं रखना है, थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाए, जैसे कि आप इसमें डालें तो वो तुरंत ही ऊपर आ जाए, इतना गर्म रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, मीडियम हीट रखना है, बहुत ज़्यादा इसे ठंडा नहीं रखिएगा। जैसे और भी हम लोग कोई निमकी बनाते हैं, मठरी बनाते हैं, नमक पारे बनाते हैं, तो उसके लिए तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना होता, लेकिन इस रेसिपी के लिए आपको तेल को मीडियम गर्म रखना ही होगा। अब इसमें एक बार में जितना है उतना डाल दीजिए, और देखिएगा फ्रेंड्स जैसे जैसे ये फूलेगा अपने आप एकदम फ्लावर के जैसा एकदम खिल जाएगा तेल के ऊपर, और बिल्कुल भी टूटेगा फटेगा नहीं। एक दो आप अच्छे से नहीं चिपकाए होंगे तो एक दो हो सकता है कि तेल में जाके खुल भी जाए, फिर भी कोई टेंशन मत लीजिएगा, इसका शेप इतना अच्छा है कि यदि खुल भी जाए फिर भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा एकदम फ्लावर फ्लावर सा एकदम बड़ा बड़ा गोल मटोल सा होते जा रहा है। देखिए कितना अच्छा बना है। तो इसी तरीके से सारे को छान के और निकाल लेना है अच्छे से। देखिए इसका डिज़ाइन कितना अच्छा आया है उभर के, देखिए फ्रेंड। तो एक भी हमारा खुला नहीं है, यदि आप बना रहे हो एक दो खुल जाए तेल में तो कोई बात नहीं है, खाने में वो काफ़ी टेस्टी ही लगेगा। तो चलिए फ्रेंड सारे को बना के छान के अच्छे से फिर आपको दिखाती हूँ। बचा हुआ को भी इसी तरीके से बना लेना है। तो फ्रेंड्स आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल पर एक बार आप देखिएगा, एक बार आप विज़िट कीजिएगा हमारे चैनल पर, आपको हर एक रेसिपी मिलेगी ऐसे जिसमें कुछ ना कुछ खास ज़रूर होगा। तो आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, आपको कोई भी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप उसे ट्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सारे निमकी को छानने के बाद कुछ इस तरीके का हमारा बना है, एकदम फुल फुल सा बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो मीठा के साथ नमकीन तो बनता है फ्रेंड्स, आने वाला है दीपावली तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।